हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर सोलन। सरकारी आटे में छिपकली और कीड़े निकलने के मामले को लेकर हिमाचल दस्तक द्वारा खबर प्रकाशित करने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया है। एक और जहां DFSC ऊना ने सरकारी राशन की दुकान पर पहुंचकर जानकारी जुटाई, वहीं विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने डिपो होल्डर से पूछताछ करने के साथ साथ उपभोक्ता के घर भी पहुंचे, जहां पर आटे के सैंपल लिए गए। फूड इंस्पेक्टर ने उपभोक्ता को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि नगर के वार्ड नंबर 4 निवासी मूलराज सरकारी डिपो से आटा लेकर गए थे। घर जाकर आटे की बोरी खोली तो आटे में मरी हुई छिपकली और कीड़े निकले। मूलराज ने पाया कि सरकारी आटा खाने योग्य नहीं है। सरकारी आटे में मिली छिपकली की खबर हिमाचल दस्तक ने प्रमुखता से प्रकाशित की, जिसके बाद सोमवार सुबह खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र सबसे पहले सरकारी राशन की दुकान पर पहुंचे, जहां पर डिपो होल्डर से जानकारी जुटाई। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर उपभोक्ता मूलराज के घर पहुंचे और आटे का सैंपल लिया। इसके कुछ देर बाद DFSC विजय सिंह हमलाल ने मामले को लेकर राशन की दुकान पर पहुंचे और सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा लिए गए सैंपल की रिपोर्ट बनाकर शिमला भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज ही मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से सुबह ये पता चला था कि एक कंज्यूमर केयर पाई शॉप से संतोष घर से यहाँ वार्ड नंबर 4 है, 4 से मूलराज जी वीट आटा लेके गए हैं, तो उनके आटे में छिपकली दिखी है। तो उसी की इंक्वायरी के चलते मैंने खुद भी उसका फोटोग्राफ वगैरह लिया है, उनका बयान कलमबंद किया है और सैंपल उसी बैग से ड्रा करके निदेशालय को एनालिसिस के लिए भेजा है। तो इसकी रिपोर्ट 5-7 दिन के अंदर आ जाएगी तो बता दिया जाएगा। अगर इस लैब से ये छुट्टी हुई है, इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए संतोषगढ़ से सुलेंद्र सिंह। नेशनल अवार्ड विनर वेमले पेंट्स एंड केमिकल्स 1961 से आपकी सेवा में NC सीलर, TT क्लियर, PU प्लेटिना, सीमेंट प्राइमर, यूरो इंटीरियर इमल्शन, सिल्क टच लग्जरी इमल्शन, मैक्सिमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर इमल्शन, सिंथेटिक इनेमल जैसी शानदार विस्तृत रेंज। जनाब आपको क्वालिटी चाहिए तो वेमले पेंट से लगाइए।